डीएम ने इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रशासनिक भवन का किया अवलोकन, अतिरिक्त मतगणना केंद्र के लिए किया गया चयनित। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के निर्देश के आलोक में आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के मतगणना के लिए एक अतिरिक्त मतगणना केंद्र हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा आज दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रशासनिक भवन का अवलोकन किया गया। भवन को अतिरिक्त मतगणना केंद्र बनाने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा भवन निर्माण विभाग के सहायक अभियंता को कल सुबह तक वर्ज गृह रूम, स्ट्रॉन्ग रूम, काउंटिंग सेंटर, स्केचिंग करने का निर्देश दिया गया। गौरतलब है कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थिति के आलोक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा प्रत्येक मतगणना केंद्र में अधिकतम 7 काउंटर टेबल लगाने का निर्देश दिया गया है तथा प्रत्येक विधानसभा के लिए 3 से 4 काउंटिंग सेंटर बनाए जाने हैं। इस अवसर पर नगर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, वरीय कोषागार पदाधिकारी नील कमल, उप निर्वाचन पदाधिकारी पुष्कर कुमार उपस्थित थे। दरभंगा डीएमसीएच में 2 मंजिले छत से गिरकर घायल हुई 2 महिलाएं। डीएमसीएच में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब जीतन राम माझी डीएमसीएच में एक पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उसी दौरान छत से जो मरीज के परिजन हैं, अन्य जो मरीज जो पहले से भर्ती है हॉस्पिटल में जहां कई लोग भर्ती हैं, वो लोग के परिजन जो है देख रहे थे, उन्हें छत से ऊपर से देख रहे थे। इसी दौरान अचानक छत से 2 महिला जो है वह गिर गई नीचे और वह घायल हो गई, जिसे आनन फानन में डीएमसीएच के इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। अभी स्थिति नाजुक बनी हुई है। भाकपा माले जिला कार्यालय पर राज्यव्यापी विरोध दिवस मनाया। दरभंगा जिला के लहरियासराय में भाकपा माले जिला कार्यालय पर विरोध दिवस का आज आयोजन किया गया, जिसमें देर शाम तक यह कार्यक्रम चला, जहां जिला सचिव बैजनाथ यादव ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव में लॉकडाउन का जनता पालन करने में लगी है, लेकिन सावंती अपराधी ताकते औरंगाबाद जिले के आची गांव में गरीबों पर गोलियों से हमला बोला है। दरभंगा के बेनीपुर के कनथुडीह में कुम्हार जाति के लोगों पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। वहीं केवटी के बरही गांव में ग्रामीण बैंक के आधार शाखा में रुपये निकासी में हुए भ्रष्टाचार को दंगा में बदल दिया है। जिला प्रशासन की भूमिका को इंसाफ दिलाने वाले जो लोग हैं वो उन्हें रोका जा रहा है। इसी के विरोध में आज राज्यव्यापी विरोध दिवस मनाया जा रहा है। नीतीश मोदी के राज में दलित गरीब और सुरक्षित हैं, सामंती सवर्ण सामंती जो अपराधी ताकते हैं, दंगाई ताकते हैं, उनको खुली छूट मिली हुई है और वो लगातार खुले तौर पर अपने आप को अपराध हमला बर्बर तरीके से समाज को दंगा में जलाने की कार्रवाई कर रहा है। हम कार्यक्रम के माध्यम से उन दंगाइयों बलवाइयों अपराधी और सवर्ण सामंती जो मनोबल बढ़ा हुआ जिनका लंपट गिरोह है उन पर लगाम लगाने की मांग करते हैं, उन पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं। साथ ही दरभंगा सहित पूरे बिहार के न्याय पसंद लोगों से हम आह्वान करते हैं कि ये नीतीश मोदी का राज आज जनता सुरक्षित नहीं है, आज दलित गरीब सुरक्षित नहीं है। इसलिए इस विरोध दिवस के मौके पर हम अपील करते हैं कि इस दंगाई राज को, सवर्ण सामंती बढ़ते मनोबल के संरक्षण देने वाली राज को उखाड़ फेंकें, सबक सिखाएं और व्यापक एकजुटता के आधार पर एक वैकल्पिक सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ें और दलित गरीबों को सुरक्षा देने वाली जो ताकते हैं सब लोग मिल करके और हमला बरोबर जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक ये विरोध के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मुहर्रम को लेकर के जिला शांति समिति की बैठक हुई।
जिला मुहर्रम समिति ने इस वर्ष ताजिया अखाड़ा नहीं निकालने का लिया निर्णय। समरणालय परिसर अवस्थित अंबेडकर सभागार में जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में मुहर्रम पर्व को लेकर के जिला शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता द्वारा बिहार राज्य सिया वक्फ बोर्ड एवं बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड तथा जिला आदेश को पढ़कर शांति समिति को सुनाया गया तथा अवगत कराया गया कि कोविड-19 के संक्रमण को लेकर के इस वर्ष मुहर्रम के अवसर पर बिहार में कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर अलम ताजिया सिपर तथा अखाड़े का कोई भी जुलूस नहीं निकालने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर इस वर्ष सार्वजनिक स्थल पर अलम ताजिया अखाड़े सिपर का जुलूस नहीं निकालने का निर्णय लिया गया है, जिसका अनुपालन दरभंगा जिला में भी किया जाना चाहिए। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बिहार राज्य सिया वक्फ बोर्ड एवं बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा दिए गए निर्देश के अवगत कराते हुए कोविड-19 के संक्रमण के मद्देनज़र जिला शांति समिति से इस वर्ष मुहर्रम के अवसर पर दरभंगा में अखाड़ा एवं ताजिया का जुलूस नहीं निकालने की अपील की। पप्पू यादव ने कहा कि नीट और आईआईटी की परीक्षा केंद्र सरकार ले रहे हैं, छात्रों को कोरोना वायरस के खतरे में डाल रहे हैं, जिसे हर हाल में इस परीक्षा को रुकवाएंगे। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने छात्र, युवाओं और मजदूरों के सवाल पर केंद्र और बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने प्रेस वार्ता कर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। पप्पू यादव ने कहा कि कोचिंग वाले ने मंत्रियों को पैसे दिए हैं, इसी के दबाव में आकर के केंद्र सरकार छात्रों को कोरोना के खतरे में डालकर आईआईटी और नीट जैसी परीक्षाएं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों ने 5 महीने में पढ़ाई नहीं की है, वे डरे हुए हैं। नेताओं मंत्रियों के बच्चे को कोरोना का डर है, उन्हें सुरक्षित रखा जा रहा है और हमारे छात्र युवा खतरा झेलकर परीक्षा देने जाएंगे, ये नहीं होगा, वे हर हाल में इस परीक्षा को रुकवाएंगे। प्रधानमंत्री के लोकल पर वोकल वाले सपनों को साकार कर रहे हैं अभिषेक कुमार। अभिषेक उद्योग में जहां फिलहाल 6 रेंज के उत्पाद शामिल है, डिटर्जेंट उत्पाद एक नई उत्पाद की आज उन्होंने लॉन्च की है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री का जो लोकल पर वोकल का सपना है उन पर हम चल रहे हैं और मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी स्थिति के बाद यह पहला उत्पाद लॉन्च हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी विशेषज्ञों टीमों ने केवल 6 महीनों में एक उत्कृष्ट काम किया है जो नए और रोमांचक प्रीमियम डिटर्जेंट को एक श्रृंखला विकसित कर रहे हैं। इसके साथ ही 6 और उत्पाद जो है यहां से चल रही है। दरभंगा शहर के सर्किट हाउस और समरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार को मिथिला पेंटिंग से सजाया जा रहा है। यह काम भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के तहत कार्य किया जा रहा है। दरभंगा जिलाधिकारी के अथक प्रयास से जो मिथिला पेंटिंग से जुड़े कलाकार हैं उन्हें रोजगार मिल रहा है। मिथिला पेंटिंग दरभंगा मधुबनी का जो क्षेत्र है, मिथिला का जो क्षेत्र है, उनका संस्कृति से जुड़ाव है और मिथिला की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दरभंगा जिलाधिकारी ने अथक प्रयास किया है, जिसके तहत मिथिला पेंटिंग जो है भवन में करवाया जा रहा है। सरकारी जो भी भवन है वहाँ मिथिला पेंटिंग करवाया जा रहा है, जिनसे कई दर्जनों कलाकार को रोजगार मिल रहा है। जीतन राम मांझी ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम महागठबंधन से अलग हो गए हैं, 30 तारीख तक किसी भी गठबंधन के साथ जाएंगे, जो हमारी शर्त है वह शर्त पर काम करेंगे, तो हम 30 तारीख तक ही किसी पार्टी में या किसी के साथ जाएंगे, नहीं तो थर्ड फ्रंट या अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं।
दरभंगा पहुंचे जीतन राम मांझी, डीएमसीएच में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। जो पीड़ित परिवार की बच्ची जो 2.5 साल की थी उसे एक युवक के द्वारा बलात्कार कर दिया गया था, जो आज जिंदगी और मौत से जूझ रही है, डीएमसीएच में इलाजरत है, उनसे मिलने के लिए जीतन राम मांझी पहुंचे डीएमसीएच। और उन्होंने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है बिगड़ चुका है, हालांकि अपराध होने के बाद पुलिस जो है मामले पर गंभीरता लेते हैं, कार्रवाई करते हैं, लेकिन जो अपराधी है उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। दरभंगा सर के वार्ड नंबर 21 में साफ सफाई को लेकर के लोगों में आक्रोश, महीनों से नहीं हो रही है सफाई। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 लीचीबाग इलाके में सड़क पर लोगों का चलना दुर्लभ हो गया है। कई महीनों से जल जमाव की समस्या की स्थिति से जूझ रहे हैं। मोहल्ले के लोगों को अब गंदे और बदबूदार कीचड़ का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि यहाँ की जो वार्ड पार्षद है और नगर निगम की जो लचर व्यवस्था है, जिसके कारण से गंदगी जो है सड़क पर आ गई है और लोग मजबूर हैं, और कैसे इस कई बार जो है नगर निगम को, प्रशासन को अनुरोध किया है।